तो गाइज आज हम सरवाइव करने वाले हैं ऐसे वर्ल्ड में जो पूरा का पूरा आइस से कवर्ड है और जहाँ पे फूड और ट्रीज का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या हम इस वर्ल्ड में 100 डे सरवाइव कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आज अपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड या एंजॉय। तो गाइस डे वन की शुरुआत होती है हमारे एक ऐसी जगह पे आने से जहाँ पे सिर्फ बर्फ और पहाड़ियाँ बर्फ के और आइस ही आइस है सारी जगह। अब यहाँ पे हमारा पहला टास्क होने वाला है एक ट्री को ढूंढना, और यहाँ पे ट्रीज ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि मतलब एक स्प्रूस ट्री स्पॉन होएगा, वो भी कहीं चांस हो गया तो उसको ढूंढना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी उसको ढूंढने में, लेकिन यहाँ ढूंढना तो पड़ेगा गाइस। तो यही हमारा सबसे पहला टास्क है। ओके भाई, काफ़ी देर हो चुकी है ढूंढते ढूंढते। ओ भाई फाइनली मिल गया। बाय द वे बहुत ज़्यादा सुपर रेयर होते हैं, जस्ट लाइक माई फ्यूचर गर्लफ्रेंड। ओके, तो हमने यहाँ से जो है वुड तो सारी निकाल लिया, और मेरे को बस यहाँ से जो है एक सैपलिंग मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा ट्रीज से रिलेटेड। बिकॉज यार सैपलिंग मिल गई फिर तो हम ट्रीज लगा ही सकते हैं अपने बेस पे, जहाँ भी हम बेस बनाएंगे। ओ भाई ओके, मेरे से जो है यहाँ पे वेट नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ इन जो है इन ट्रीज को तोड़ते ही हैं भाई। प्लीज़ यार प्लीज़ 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 सैपलिंग ड्रॉप कर दिए भाई, मज़ा आ जाएगा। इसने सैपलिंग ड्रॉप कर दी, तो भाई मैं तोड़ रहा हूँ इसको, देखते हैं हमें सैपलिंग मिलती है नहीं। प्लीज़ प्लीज़ सैपलिंग मिल जाए। ओके तीन रहते हैं, सैपलिंग मिल जाए भाई। ओ नो यार, कोई सैपलिंग नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, चलता इतना। तो जो हमें ट्री से वुड मिली थी मैंने उसे जो है वुडन टूल्स बना लिया, और यहाँ पे मैं नीचे डिग कर रहा हूँ, और मेरे को केव भी यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, सो मेरे को आराम से यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओ भाई आराम से, यहाँ पे कोई मॉब तो नहीं है। ओके, सबसे पहले जो है यहाँ पे स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं और स्टोन के टूल्स बना लेते हैं जल्दी से। ओके, तो गाइस जो है मैंने स्टोन टूल्स बना लिए यहाँ पे, और आयरन भी कलेक्ट कर लिया। और भाई हेल्थ इतनी कम होती जा रही है मॉब से लड़ते लड़ते, और भाई एक कच्चा मांस खा के भाई टाइम निकालना पड़ रहा है भाई ज़ॉम्बीज का। क्या दिन आ चुके हैं अभी। तो यहाँ पे गाइस केव में घूमते घूमते मेरे को डंजन मिल चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले स्पाइडर का डंजन है मेरे ख्याल से, इसको तोड़ते हैं। और पहले भाई इसको तोड़ना पड़ेगा यहाँ जाके, मेरे को कोई एक्सपी फार्म नहीं बनाना इसका। एक सेकंड भाई, मैं इसमें एक्सपी फार्म बना सकता था, मैंने डंजन क्यों तोड़ दिया रे भाई, मैंने क्यों तोड़ दिया वैसे। लेकिन गोल्डन एप्पल हमें मिल चुका है यहाँ पे भाई, मैंने क्यों तोड़ दिया, मैं ये भूल गया था कि मैं फ्लैट वर्ल्ड में नहीं हूँ, यहाँ पे मॉब ग्राइंडर नहीं काम करेगा। ओ भाई इसका इतना अच्छा एक्सपी फार्म बन जाता भाई साहब, मैं पागल हो रहे। ओके सो गाइज, मैंने जो है शील्ड और जो है आयरन आर्मर बना लिया, और यहाँ पे जो है मेरे को एक रवीन मिल चुके हैं, यहाँ पे कूद मारते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे जो है अपना एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं, और अभी मेरे को ग्रेवल भी लेके आना पड़ेगा, पर पहले यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं जल्दी से। ओके सो गाइज, यहाँ पे नेदर पोर्टल हमने बना लिया, और अब यहाँ पे जो है केव्स में हमें जाके जो है ग्रेवल ढूंढ के लेके आना पड़ेगा, बिकॉज बिना ग्रेवल से हमें फ्लिंट नहीं मिलती। आयरन मेरे पास है, सिर्फ फ्लिंट चाहिए अभी मेरे को। ओके सो गाइज, हमें जो है यहाँ पे ग्रेवल मिल चुका है, लेट्स गो। ओ भाई 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 भाई, ये क्या था बे। ओ भाई साहब, एक स्केलेटन, दो स्केलेटन, तीन स्केलेटन आ गए। ओ भाई साहब जी, ये तो ड्रैगन फाइट से भी ज्यादा इंटेंस था बे। ओके सो गाइस, अभी जो है बस यहाँ से ग्रेवल तोड़ तोड़ के मैं यहाँ से फ्लिंट निकाल रहा हूँ। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई एक हार्ट पे आ चुका। ओके फ्लिंट भी मिल चुका है, जल्दी से जो है यहाँ से फ्लिंट एंड स्टील बनाते हैं और नेदर में चलते, क्योंकि ज़ॉम्बीज इधर ही आ रहे हैं। ओके भाई जल्दी से शील्ड को आगे रखता हूँ मैं अभी, क्योंकि ओके आराम से कोई अच्छा सा स्पॉन दे देना भाई। ओ भाई भाई लावा के पास स्पॉन कर रहे हैं भाई। ओके ओके भाई, क्या घटिया स्पॉन दिया इन्होंने। ओ मेरे पास सिर्फ एक हार्ट बचा और कोई फूड भी नहीं है भाई। ओ भाई हाफ हार्ट पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को जो है एक चीज़ याद आ गई कि मशरूम्स भी होते हैं नेदर में। तो ओके सो एंड मेरे पास आई थिंक ब्राउन मशरूम्स भी पड़े थे, सो मेरे को बस ध्यान से लेने हैं यहाँ पे, ये ले लेता हूँ। और मेरे पास वुड भी है तो मैं बॉल भी बना सकता हूँ, तो आई थिंक देखता हूँ, और शायद ब्राउन मशरूम्स हमें मिल ही जाएंगे, शायद मेरे पास नहीं है अभी। ओके वो रहे ब्राउन मशरूम्स, मेरे को आराम से उतरना पड़ेगा यहाँ से। आराम से उतरते हैं भाई, सिर्फ हाफ हार्ट है, हल्का सा भी डैमेज मिला तभी ख़त्म है। ओके ओके सो आराम से भाई, कोई इनको ले लो, कोई इनको। ओके एक और मिल चुका है, यहाँ से ले लो भाई, और अभी नीचे चलते हैं, नीचे चलो आराम से। ओके नीचे चलो, बंद करो भाई, और मेेरे पास ओके भाई आराम से। ओके मेरे को जो है क्राफ्टिंग टेबल लगानी है यहाँ पे, और बॉल बनाने हैं। ओके ओके बॉल्स ओके ओके, ये रहे बॉल बन चुके हैं यहाँ पे, और अब हमें बनानी है स्ट्यू, मशरूम स्ट्यू, और देखते हैं भाई क्या हमारे हार्ट इससे फील हो जाएंगे। ओ भाई थैंक गॉड, सच में भाई देखो प्रो गेमर स्किल्स काम आ गई ना। ओके सो गाइज, यहाँ पे जो है मेरे को एक रुइंड पोर्टल दिख रहा है, यहाँ पे जो है इस पे गोल्ड का ब्लॉक भी लगा, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपना हार्ट नहीं खोना चाहता, बहुत आराम से चल रहा हूँ।
सात ऑब्सीडियन तो इसी में मिल गए, तो मेरे को अगर ओवर वर्ल्ड में जाना है तो मैं यहीं से बना के जा सकता हूँ अपने ऑब्सीडियन का पोर्टल, एंड मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील तो है ही है। ओके सो यहाँ पे आसपास एक्सप्लोर करते हैं, और भाई साहब वहाँ पे एक बैस्टियन भी है, तो चलिए उस बैस्टियन को जाके लूटते हैं, देखते हैं उसके अंदर से क्या मिलता है हमें। तो गाइस यहाँ पे बैस्टियन के जो नीचे वाला चेस्ट है मैं टनल बना के ढूंढ रहा हूँ। ओके भाई ये मिल चुका है, देखते हैं अंदर से हमें इसे क्या मिलता है, तो मेरे को ध्यान से करना पड़ेगा। ओके ऐसे हाँ, और इसको बंद कर दिया यहाँ से, और अब खोल सकते हैं, हमें कोई हमला नहीं करेगा हमारे ऊपर। ओके तो कुछ खाना मिल चुका है जो कि काम आएगा अपने, और एक एक्स मिल चुके है, और स्ट्रिंग वगैरह भी काम आ जाएगी हमारे बेड बनाने के। सो यहाँ पे 15 स्ट्रिंग्स हो या, हम जो है आराम से बेड बना सकते हैं अपना। सो यार मैंने कुछ गोल्ड ब्लॉक्स भी यहाँ से तोड़ लिए हैं, अब टनल बनाते बनाते वापस चलते हैं थोड़ा ऊपर नेदर में, और ट्रेडिंग करते हैं पिगलिन से जाके। ओके सो गाइज यहाँ पे इनसे ट्रेडिंग चल रही है पूरे सोने की, देखता हूँ यहाँ पे हमें क्या देते हैं, और अगर हमें एंडर पर्ल्स मिल गए तो और भी अच्छा है, और उसके बाद अपना वो नेदर पोर्टल को कंप्लीट करते हैं और चलते हैं ओवर वर्ल्ड में, और ये पोर्टल जहाँ भी खुलेगा वहीं पर अपना घर बना लेंगे हम। ओके तो गाइस इन्होंने कुछ एंडर पर्ल्स वगैरह तो नहीं दिए, लेकिन फायर रेजिस्टेंस की पोर्शन वगैरह कुछ मिल चुके हैं और ब्लॉक्स भी मिल चुके हैं। चलो जो भी है अभी इनको लेके चलते हैं अपने ओवर वर्ल्ड में, मैंने नेदर पोर्टल को भी कंप्लीट कर दिया है और चलते हैं बस ओवर वर्ल्ड में भाई, और कुछ नहीं है कहने को मेरे पास। ओके गाइस हम आ चुके हैं ओवर वर्ल्ड में, और अपना स्पॉन यहाँ पे चेक करते हैं ठीक ही है, और यहाँ पे कोई लेक वगैरह है कि, ओके सामने लेक है तो अपने लेक पे वहाँ पे घर बना सकते हैं। ओके सो गाइस जल्दी से यहाँ पे सो जाते हैं भाई, बहुत दिनों के बाद काफी चैन की नींद ले रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस अभी जो है मैं नेदर से आया हूँ कुछ फूड कलेक्ट करके, और इस जगह देखो भाई बहुत ही परफेक्ट जगह है, और यहाँ पे मैंने चेस्ट भी लगा दिया, ये देखो इसके अंदर सामान पड़ा है। तो अभी जो है थोड़ी कुकिंग वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे, एंड फिर जो है दोबारा चलते हैं अपने आगे के एडवेंचर्स पे। ओके गाइस तो यहाँ केव्स में आ चुके हैं हम डायमंड लेने, और वेट भाई कहते ही डायमंड मिल भी गए। तो गाइस माइनिंग करने के बाद मेरे को 5 डायमंड मिले थे, जिससे मैंने एक डायमंड पिकैक्स और एक डायमंड की सोर्ड बना ली, और अभी है यहाँ पे मैं एक टनल बना रहा हूँ वॉब्ड फॉरेस्ट तक, जो कि मेरे को दूर तक दिख गया था। मैंने मतलब 24 मतलब ज्यादा चंक बढ़ा के मेरे को दूर तक दिख गया था वो वाला, क्या कहते हैं उसको, वॉब्ड फॉरेस्ट ब्लू वाला, तो मैं वहां तक टनल बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को वुड अच्छी लगती है और वहां से हमें एंडर पर्ल भी मिल जाएंगे। सो अभी वहां तक बना लेते हैं और फिर मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ, और क्या। ओके सो गाइज यहाँ पे जो है मेरे को एक दूर बैशन दिख गया था जब मैं वो टनल बना रहा था, यहाँ से जो मेरे को गोल्ड मिल रहा है, और यहाँ से गोल्ड मिल रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से जो हमें काफी सारा गोल्ड मिल सकता है, जैसे ये रहा। अब यहाँ पे मैं तोड़ूंगा यहाँ पे कुछ 18 कुछ ब्लॉक्स होंगे गोल्ड के। ओके पहले तो भाई इसको कवर करो। ओके सो गाइज यहाँ से जो है गोल्ड ले लेता हूँ जितना भी मेरे को मिलता है यहाँ से, और भाई फिर चलते हैं अपने पिगलिन ट्रेडिंग पे। ओके सो गाइज यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मेरे को 3 अंडर पर्ल्स तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, एंड देखते हैं भाई मतलब 3-4 स्टैक मेरे पास गोल्ड आ चुका है, तो सारे को ट्रेड कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमें कितने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। सो गाइज एंडर पर्ल तो हमें मिल चुके हैं जितने चाहिए, उससे भी बहुत ज्यादा मिल चुके हैं, और भी काफी जो है कबाड़ा वगैरह जो मिलता है इससे वो मिला, जो मैंने टनल बनाई थी अपने घर से लेके वॉब्ड फॉरेस्ट तक उसका अब कोई फायदा नहीं है। ओके गाइज तो मेरे को जो है यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस मिल चुके हैं अपने घर के पास वाले पोर्टल पे ही, एंड बस यहाँ पे जो अभी मेरे को ऊपर जाना है और अपना कलेक्ट करने हैं हमें ब्लेज रोड, से जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं भाई। मर मर मर, अबे लग जा यार क्यों बेइज्जती करवा रहा है। ओके भाई ओके पहली तो मिल चुकी है यहाँ पे। ओके ओके भाई 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 अब मेरे जो है यहाँ पे फायर रेजिस्टेंस डाला हुआ है, तो मेरे को इनका डैमेज तो नहीं मिलेगा। अब बस यहाँ से जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं जितने मेरे को चाहिए। ओके भाई जितने मेरे को चाहिए जितने हो गए भाई, भग लो यहाँ से बस, अब यहाँ नहीं रहना। ओके सो गाइज देखो घर जो है कंप्लीट हो चुका है, ये देखो, एंड अभी जो इसके साइड में थोड़े नेदर वाले ट्री लगाऊंगा, तो मेरे को पक्का बता देना नीचे कमेंट्स में कि आपको ये घर कैसा लगा। अभी थोड़ा प्लेन एंड सिंपल लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स करेंगे थोड़े टाइम के बाद, एंड या एक्चुअली अभी जो अंदर जाके दिखाता हूँ, तो अंदर भी कुछ खास नहीं है, बहुत ही प्लेन है। अभी मैंने सामान वगैरह रख दिया एंड बस यही है, एंड थोड़ा एक पेंटिंग लगा रखी है यहाँ पे, कुछ फालतू नहीं है। अभी यहाँ पे जो है एन्चेंटिंग वगैरह का सेटअप आएगा जो कि हम थोड़ी देर में लगाएंगे, पहले तो ड्रैगन को हरा के आना, तो वही चलते हैं हराने और क्या। ओके सो गाइस जो है अब देखते हैं हमें जो है कहाँ पे मिलता है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड और कितनी दूर मिलता है, तो उस साइड जाना है बस, अब उस साइड चलता हूँ और सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड में मिलता हूँ आपको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। तो काफी ब्लॉक्स तक मेरे को ट्रैवल करना पड़ा, तब जो है मेरे को एक पल नीचे जाता हुआ दिखा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड। ओके तो गाइस ये देखो स्ट्रॉन्ग होल्ड भी हमें मिल चुका है, और गाइस ये देखो यहाँ पे जो है एक लाइब्रेरी है, तो जल्दी से पहले क्या करता हूँ मैं इस लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जो हम अपनी बुक शेल्फ बना पाए एन्चेंटिंग के लिए, और फिर जो है हम अपना एंड पोर्टल रूम ढूंढ लेते हैं जल्दी से और क्या। हेलो गाइस ओके तो हमें जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रूम मिल चुका है, मेरे को नहीं पता मैंने वो हेलो गाइस क्यों बोला, और मैं आज बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए माफ कर देना, पहले कह रहा हूँ मैं, कभी नीचे कमेंट्स में कहो। ओके चलो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गो ड्रैगन को खत्म करते हैं इसी कहानी। लिटरली दिस इज द इजीएस्ट फाइट ऑफ माय लाइफ, मैं कह भी नहीं सकता, बहुत ही आसान होता है ड्रैगन को मारना, और मैं इंग्लिश आजकल बहुत
जी बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी माफ कर देना। ओके तो फालतू सामान निकालो, ये जो है कुछ बुक्स है मेरे को लाइब्रेरी से मिल गई थी। ओके सो गाइज यहाँ पे देखते हैं हमें जो है कैसा स्पॉन मिलता है। ओके भाई कहाँ पे स्पॉन कर रहा है? और भाई कतई ड्रैगन के पिछवाड़े पे स्पॉन कर दिया रे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वो सुपर इंटेंस फाइट में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। और यहाँ पे जो है ड्रैगन की हालत बहुत पतली हो चुकी है और मेरी भी, बिकॉज मेरा जो है सारा फूड खत्म हो चुका है, मैं मरने वाला हूँ एंड ड्रैगन भी मरने वाला है। तो देखते हैं कौन पहले मरता है। ड्रैगन ही मरेगा वैसे प्रोबेबली। और भाई ये एंडरमैन मेरे पीछे ना पड़ जाए, दो शॉट कर देंगे मेरे को। ओके तो बस ये खत्म होने वाला है, एक ही शॉट लगेगा और ये खत्म है भाई। एंड आई थिंक एक शॉट के शॉट से ही। ओके ये देखो गाइज हमने जो है जीत ली है ड्रैगन फाइट एक। और मैं लिटरली झूठ भी नहीं बोलूंगा, मैं अब तक जो है 1 से 2 हज़ार ड्रैगन्स हरा चुका हूँ बहुत आराम से, सीरियसली नो जोक। मुझे पता है मैं फ्लैक्स कर रहा हूँ बिकॉज मैं कर सकता हूँ, मेरी औकात है, ठीक है ना, फालतू मत बकवास करो। ओके ओके हो गया ये, तो अपने एक्सपी ले लेते हैं, जूसी जूसी एक्सपी। एंड ये जो है अपना ड्रैगन एग भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड आई थिंक बस चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में। भाई कहाँ गया? ओके ये रहा, जल्दी से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं कुछ करना नहीं है, बस नाम नाम के लिए कलेक्ट करना होता है, कुछ फायदा नहीं है इसका। ओके यहाँ पे रखी टॉर्च एंड ये मिल गया हमें अपना ड्रैगन एक और मिल गई एडवांसमेंट्स। सो अभी चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में, लेट्स गो। ओके गाइस तो जो एंड सिटी में आ चुका हूँ मैं यहाँ पे एंड तुम सोच रहे हो कि भाई तूने बीच का पार्ट तो दिखाया नहीं। एंड इसी बात से रिलेटेड मेरे को एक और बात करनी है जो कि काफी लोगों को समझ में नहीं आती कि ये जो वीडियोस होती हैं 100 डेज वाली वो 20 आवर्स या 25 आवर्स से भी प्लस की रिकॉर्डिंग्स होती हैं इसमें, और इनको 20 मिनट के अंदर डालना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ मैं नहीं दिखा पाता एंड भाई तुम लोग कहते हो भाई ये दिखा वो भी नहीं दिखाया, तो ये भी नहीं दिखाया। भाई इतना आसान नहीं होता यार, एक एक घंटे की वीडियोस में बना नहीं सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है। एंड यार तो इतनी छोटी वीडियोस में इतना सब दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, प्लीज अपनी कॉमन सेंस यूज कर लिया करो यू। ओके गाइस जो है जो हम ऊपर आ चुके हैं, ओ भाई कतई झुंड रहा, ओ भाई 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 क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके इसके अंदर ओ भाई क्या ओपी पिकैक्स मिल गई भाई साहब, कति 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 के बाद क्या आता था भूल गया, चलो छोड़ो उस बात को, लेकिन इसको मारो भाई, ये चलकर काफी दुखी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके इसके अंदर भाई 3 डायमंड और एक मेंडिंग वाली चेस्ट प्लेट, ओ भाई भाई इसको डाल लो, मेरा आर्मर वैसे भी टूटने को रखा है। और अभी भाग लेते हैं यहाँ से एंड देखते हैं हमारी लाइटर वाली शिप पे हमें क्या क्या लूट मिलती है। और स्वागत नहीं करोगे हमारा? भाई रहने दे, कोई बात नहीं, तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ भाई। ओके ओके ठीक हो गया, तो भाई अपनी लाइटर ले लेते हैं। और भाई साहब ओके डायमंड बूट्स मिल गए भाई, और मेरे को जो है कुछ डायमंड से मिल गए थे कुछ और चेस्ट में पता नहीं। और ये ओ भाई साहब बहुत बढ़िया वाली चेस्ट प्लेट मिल चुकी है यहाँ पे, भाई मजी आ गए। और आसपास जो है एक और एनसीटी है, उसको भी जाके लूटते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, और भाई मजे आ गए। तो गाइस जो है शिप के आगे मैं पीछे से हमला कर रहा हूँ, ओ भाई भाई क्या खतरनाक स्वॉर्ड है, और मेरे को एक स्वॉर्ड जो है पीछे भी मिल चुकी थी भाई। और ये डायमंड मिल चुके हैं, एक और पिकैक्स मिल चुकी है भाई साहब। तो ये जो है नई नई एनसीटी है, और यहाँ से एक और लाइटर भी ले लेते हैं, लग गया तो इसको भी मार देते हैं। और ये जो है बिल्कुल नई नई एनसीटी है, तो इसको भी लूटता हूँ और सीधा ओवरवर्ल्ड में मिलता हूँ जो मेरे को लूट मिलती है। ओके गाइस हम जो है आ चुके हैं वापस ओवरवर्ल्ड में, मैं जो है 2 नई नई स्वॉर्ड्स लेके आया हूँ, एक स्माइट की और एक पे शार्पनेस लगी है, 2 इलाइट्राज हैं एंड बाकी लूट तो मैंने आपको दिखाई दी थी। सो या आई थिंक जो है हम अपना एन्चेंटिंग वगैरह का सेटअप भी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑब्सीडियन आ चुके हैं, डायमंड आ चुके हैं और बुक भी मेरे पास काफी सारी हैं। तो चलिए अपने इंचांटिंग वगैरह करते हैं अब। सो गाइज ये देखो हमारा 6 मीटर रिपीटर इज बैक, ये जो है हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, वो भी यही कहा करती थी। ब्रो जस्ट लुक एट द एन्चांटमेंट्स यार, शार्पनेस 4 बेसिकली स्वीपिंग एज को छोड़ के इस पे सारा कुछ लगा हुआ है। ओ भाई साहब क्या खतरनाक स्वॉर्ड बन चुकी है। एंड आई थिंक जो है अब हमें वीदर फाइट कर लेनी चाहिए एंड यस आई थिंक तो वीदर स्कल्स वगैरह कलेक्ट करने चलते हैं और क्या। ओके सो गाइज मेरे को फाइनली जो है क्रिम्सन नाइलियम मिल चुका है एंड इसको लेने का सिर्फ एक ही तरीका है बिना सिल टच के, वो कि एंडरमैन जो है इसको होल्ड करके रखे और एंडरमैन जो है इसमें स्पॉन नहीं होता इस बायोम में। तो बड़ी मुश्किलों में से जो है मेरे को काफी दिन वेट कर करके जो है मेरे को मिला ये। एंड मेरे को जो है बस यहाँ पे साइड में ट्रीज लगाने थे, मेरे को बताना कमेंट्स में आप लोगों को ये घर और ट्रीज का डिजाइन कैसा लगा। एंड या आई थिंक जो है मैं दूसरी साइड भी कर देता हूँ एंड भाई मतलब अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद चलते हैं अपने विदर स्केलेटन्स को कलेक्ट करना, बिकॉज मेरे को विदर को भी हराना है इसी
या इसी इसी वीडियो में। यस ओके सो गाइस, जो हम नेदर में आ चुके हैं और मैं फोर्ट्रेस में आ चुका हूँ, देखते हैं यहाँ पे हमें जो है विद स्केलेटन को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। विद स्केलेटन तो मिल चुके हैं, अब भाई साहब देखते हैं स्कल ड्रॉप करते हैं नहीं। लोल, पहले स्केलेटन को मारते ही स्कल मिल गया। ओके मेरे को लग रहा है कि सर पहले पहला ही लक चलेगा, इसके बाद लक नहीं चल रहा। ठीक है भाई, मतलब आई एम ओके विद दिस यार, कोई चक्कर नहीं है मेरे को। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ यार। यू आर दी चूजन वन, गिव मी दी स्कल। ओके ओके भाई दे दो यार, काफी टाइम हो चुका है, स्कल दे दो भाई प्लीज। ओ भाई साहब मिल गया यार तीसरा स्कल भी, बहुत ज्यादा टाइम लग गया है भाई। पहले दो तो बहुत आसानी से मिल गए थे, तीसरे में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो आई थिंक जो है अब हम विदर फाइट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस हालत की, इस आर्मर की जो हालत काफी खराब हो रही है, तो इसको रिपेयर करते हैं एंड उसके बाद जो है मैं इसको नेदराइट भी लगा लेता हूँ इस पे एंड फिर चलते हैं भाई विदर फाइट करने। तो पहले नेदराइट ले लेते हैं, मतलब एंशिएंट डेब्रीज कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से जाके। ओके सो गाइस, जो है हम नेदर में आ चुके हैं, नेदराइट यानी एंशिएंट डेब्रीज कलेक्ट करना, और हमें जो है अपना दूसरा एंशिएंट डेब्रीज यहाँ पे मिल चुका है एंड आई थिंक इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ढूंढने में। तो मैं माइनिंग मेथड ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि माइनिंग मेथड से बहुत जल्दी मिल जाते हैं मेरे को एंशिएंट डेब्रीज। ऑब्वियसली बेड वगैरह के लिए मेरे पास ज्यादा स्ट्रिंग नहीं है, तो जल्दी से जो है इस पे माइनिंग वगैरह करता हूँ, जितनी मेरे को एंशिएंट डेब्रीज चाहिए कलेक्ट कर लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे और फिर चलते हैं सीधा ओवरवर्ल्ड में। या ऐसा करता हूँ ओवरवर्ल्ड में आपको सीधा मिलता हूँ सारे नेदरराइट कलेक्ट करके। ओके सो गाइस, अब बना लेते हैं हम अपना नेदरराइट और ये बन चुका है और तीन बने हैं। ओके मेरे पास जो है गोल्ड कम पड़ा है, कोई बात नहीं, गोल्ड जो मैं नेदर से लेके आ जाऊंगा और बन जाएंगे हमारे पास चार नेदराइट और फिर ओके गोल्ड ये पड़ा है भाई, पड़ा था भाई सोच रहा मैं। ओके तो ये बन चुके हैं चार नेदराइट इंगट, लगा लेते हैं इसको अपने आर्मर पे और स्वॉर्ड पे जल्दी से। ओके सो गाइस, ये देखो मैंने लगा लिया अपने तीन आर्मर पीस और एक स्वॉर्ड पे नेदराइट और ये भाई साहब बहुत ही ओपी स्वॉर्ड बन चुकी है हमारी। एंड अभी जो है मैं नेदर में जा रहा हूं कुछ सोल सैंड कलेक्ट करने ताकि हम अपनी विदर फाइट कर पाए और उसके बाद जो है मैं आपको सीधा मिलता हूं केव्स में जहां पे हम करने वाली हैं अपने विदर फाइट। ओह माय गॉड। ओके सो गाइस, विदर फाइट की हमने सारी तैयारियां कर ली हैं और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा जगह डिक कर रहा हूँ और अपनी स्माइट 3 वाली स्वॉर्ड भी लेके आ चुका हूँ मैं, जो हमें मिली थी एंड सिटी से। ओके सो यहाँ पे जगह बना लेते हैं और लगाते हैं अपनी यहाँ पे सोल सैंड और लगाते हैं अपने दो स्कल्स। लोल गलत लगा दिए। ओके चलो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, लगाते हैं अपना ये स्कल और मैं जो है बैकग्राउंड में कोई इंटेंस म्यूजिक भी नहीं लगाने वाला क्योंकि मेरे को 100% पता है मैं इस विदर को बहुत आसानी से मार दूंगा और यहाँ पे बस वेट करना है और इसको शूट करना है जैसे ही अपनी पूरी हेल्थ हो जाएगी इसकी। और ये रहा एंड आई थिंक स्वॉर्ड से मारना चाहिए मेरे को। ओ भाई स्वॉर्ड से क्या डैमेज मिल रहा है। अबे हाँ भाई, आधी हेल्थ आने भी वाली है इसकी। ओ भाई आधी हेल्थ। ओके ओके, इसने मेरे को मार भी दिया। ओ भाई मेरे को आराम से पीछे आ जाता हूँ। विदर 2 का इफेक्ट मिलता है, बहुत जल्दी हेल्थ खाता है। ओके अब मेरे को बस इसको ऐसे मारना है और भाई भाई खत्म भी हो गया। अबे ये क्या था बे। ओके बस मेरे को आराम से जो है ये फूड खाना है जल्दी से और अपना विदर 2 का इफेक्ट खत्म हो जाएगा भाई। ये दैट वाज इजी। ओके तो गाइज अभी जो है मैं नेदर में थोड़ा फूड कलेक्ट करने जा रहा हूँ और भाई 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 ये क्या हो गया। ओके मेरे पास फायर रेजिस्टेंस का पोशन है। ओ भाई नहीं भाई, ये कहाँ गया। अबे स्प्लैश पोशन काम नहीं करा। ओ भाई अबे यार नहीं मरना, मेरे पास फायर प्रोटेक्शन है भाई लेकिन मेरे को नहीं मरना भाई। ओ भाई साहब, अरे यार भाई खत्म कहानी यहाँ पे। ओ यार सीरियसली, आई कांट बिलीव यू डन दिस। ओके सो गाइज, मैंने जो है माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 16 घंटे की माइनिंग करी है। यह 16 घंटे की माइनिंग नेदरराइट के लिए, आपकी स्क्रीन पे वो वीडियो आ रही होगी, अभी जाके देखो एंड या मिलता हूँ। सी आप, गुड बाय बॉयज।